स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट टू है ना। पार्ट वन देख लीजिएगा, अगर ना देखो तो, ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो 7.2 का 4 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे, आज देखेंगे 5 नंबर से। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन से आज पढ़ेंगे। पिछला वीडियो ना देखे हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, वह अनुपात याद कीजिए। अनुपात निकालना है, जैसे 4 नंबर में भी अनुपात निकालना था। वह अनुपात याद कीजिए जिसमें बिंदु ए 1-5 और बी 4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करते हैं। देखिए, एक्स अक्ष से विभाजित करते हैं, एक्स अक्ष से विभाजित करती है लिखा हुआ है, शॉर्ट में ही क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपात भी निकालना है, अनुपात और निर्देशांक भी निकालना है। निर्देशांक देखिए, इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछेगा, 3 नंबरी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन तो ऐसे मेन चीज़ को लिख दिए हैं, लेकिन पूरा एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। वह अनुपात याद कीजिए लिखा हुआ, वह अनुपात याद कीजिए, है ना। अनुपात निकालना है जिसमें बिंदु ए 1-5 और बी 4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड, ये दो बिंदु है उसको मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, दो बिंदु, ये मान चलिए एक बिंदु, ये एक बिंदु, ये, तो ये दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, दोनों बिंदु, ये दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, दोनों बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है ये इतना, है ना। तो बोला है ये दोनों बिंदु का को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होती है, एक्स से कटता है, माने बीच में कहीं पर विभाजित होगा, वो रहेगा क्या, एक्स अक्ष बोला है, एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। अब एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, पिछला वीडियो में बता चुके थे। जैसे ग्राफ ये रहता है, ये एक्स अक्ष रहता है, ये वाई, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक यानी एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का, जैसे एक्स अक्ष में यहाँ कहीं पे भी कोई बिंदु है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो उसका निर्देशांक होगा एक्स का कुछ वैल्यू होगा, 1-5 कुछ भी हो सकता है, या -1-3 हो सकता है। लेकिन एक्स अक्ष का सीधा में अगर वाई में आए, ये वाई अक्ष में, तो यहाँ क्या होता है, 0 होता है, तो वाई कितना हो जाएगा, 0, यानी इसका निर्देशांक होगा एक्स और 0। ध्यान, बस इतना सा समझ में अगर आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा ना। क्वेश्चन से यही चीज़ खींच के निकालना है, दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर विभाजित हो रहा है, एक्स अक्ष पर विभाजित, यानी एक बिंदु लगा देना, वो कौन सा अक्ष पर विभाजित हो रहा है, एक्स, तो इसलिए एक्स और 0, एक्स का निर्देशांक एक्स और 0। ठीक है, तो ए बी काट रहा, विभाजित कर रहा पी बिंदु, जो कि एक्स निर्देशांक है, इसलिए एक्स और 0 हो गया उसका निर्देशांक, एक्स अक्ष है इसीलिए। बात आ रहा समझ में। अब क्वेश्चन कहा है, शुरू में तो कह दिया कि अनुपात याद कीजिए, उसके बाद फिर बाद में कहा लास्ट में कि एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी याद कीजिए, यानी ये जो बिंदु, जिस बिंदु से ये विभाजित हो रहा है, बंट रहा है दो भागों में, उसका भी निर्देशांक निकालना है। तो उसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स और 0 तो लिख दिए, लेकिन एक्स का फिक्स वैल्यू तो अभी नहीं लिखे हैं, ये जान रहे हैं कि x में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 1-5 या -1-3 कुछ भी हो सकता है, और y कन्फर्म है कि 0 होगा, इसीलिए y में 0 लिख दिए, ये कन्फर्म है, लेकिन x कन्फर्म नहीं है कितना होगा, इसीलिए x अभी लिख दिए। उसके बाद अभी सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करें। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमको अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, अनुपात निकल जाएगा तभी जाकर के निर्देशांक निकलता है, ये और ये किस अनुपात में बट रहा है उस अनुपात को निकालना होगा। तो अनुपात निकालने के लिए एक क्वेश्चन इससे पहले वाला था, देखे होंगे तो समझ में आता होगा कैसे अनुपात निकलता है। तो बोले थे एक्स या वाई, जो फॉर्मूला है एक्स और वाई का, तो एक्स या वाई दोनों में से किसी एक का भी फॉर्मूला लगा के हम अनुपात निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्स का अगर
रखेंगे फॉर्मूला, तो चूंकि x का वैल्यू हमको पता नहीं है इसलिए अनुपात वहां से नहीं निकलेगा। x का वैल्यू रख के x का निर्देशांक निकालेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और y जीरो दिया हुआ है तो y का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हम अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे तो देखते हैं। देखिए y निकालते हैं, ठीक। y बराबर क्या फॉर्मूला बताए थे, y1 m2 प्लस y2 m1 और नीचे m1 प्लस m2, ठीक। x और y दोनों का फॉर्मूला बताए थे, तो x y साथ में लिखना चाहे या अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो हमको x नहीं लिखे क्योंकि x लिखने से अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। y इसलिए लिखे क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ है, और इधर y1 y2 भी दिया हुआ है, m1 m2 आराम से निकल जाएगा। और अगर x का फॉर्मूला लगाएंगे तो x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसलिए वहाँ से अनुपात निकालना संभव नहीं है, ठीक। तो ये फॉर्मूला लगेगा, और x1 x2 क्या है, तो ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2, ये नहीं होता है, तो वैल्यू रख देना है। देखिए y क्या है, किसका फॉर्मूला लगा रही है, यहाँ वाला है ना, ये x ये y, तो y कितना है, जीरो है ना, ये x और ये y रहता है, तो ये y कितना है, जीरो, तो यहाँ लिख देंगे जीरो। बराबर y1, देखिए y1 कहाँ है, कहाँ, ये देखिए यहाँ माइनस फाइव मल्टीप्लाई एम टू है, ये नहीं है, तो मल्टीप्लाई लगाने का जरूरत है, एम टू लगा देते हैं, ठीक, माइनस फाइव एम टू, फिर प्लस y2, तो प्लस y2 देखिए वो हाँ फाइव फाइव m1 है, m1 पता नहीं है, ये हमको निकालना है, छोड़ देना है, m1 प्लस m2 भी पता नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक। अब देखिए ये m1 प्लस m2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बॉर्डर पार करते हैं, बॉर्डर से इधर उधर साइड चेंज होता है ना, उल्टा हो जाता है, जोड़ वाला गुना है, जोड़ वाला घटाओ, घटा वाला गुना, का बोल रही थी, जोड़ वाला हो जाता है, घटाओ घटा वाला जोड़ है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस होता है ना, गुना वाला भाग, भाग वाला गुना, तो ये भाग इधर आया तो गुना। अब जीरो से अगर गुना कर दे, दुनिया का किसी भी संख्या को, किसी भी चीज़ को जीरो से गुना कर देते हैं तो हो जाता है जीरो, है ना, तो जीरो लिख देंगे। अच्छा एक बार लिख दीजिए इसको, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, जीरो गुना इसको लिख लेंगे तब जीरो करेंगे, फिर ये आ गया गुना में, इधर हो गया, देखिए ये तो नहीं घटा सकते ना जोड़ सकते, तो रहने दीजिए ये। अब देखिए जीरो को गुना कर देंगे सबसे, तो जीरो ना होगा, हैं, जीरो हो गया, जीरो हो गया। उसके बाद इसको इधर लेते हैं, ले आएंगे माइनस में है, माइनस में है, इधर आके कहा हो जाएगा प्लस फाइव एम टू, इधर हो गया फाइव एम वन, ठीक। हमको अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात, तो क्या करें, ये तो जीरो में पाँच जुटेगा तो पाँच ही ना रहेगा, हैं, इसको हटा देते जीरो को, कोई फायदा नहीं जीरो रख के, है, तो एक तरफ नंबर को रहने दीजिए, जैसे नंबर को इधर ही रहने देते हैं, ये नंबर इधर ले आते हैं, पाँच भाग में आ जाएगा, और इधर m1 है पहले से, और ये m2 गुना में है, तो उधर जाके भाग, ये कट गया तो एक एक बच गया, अब यही डिवाइड में रहता है उसी को ना अनुपात कहते हैं, तो अनुपात क्या आ गया, m1 अनुपात m2 बराबर यहाँ पर वन वन, यानी वन अनुपात वन, आई बात समझ में। हमको अनुपात निकालना था, निकल गया m1 m2 दोनों निकल गया, यानी ये जो डिवाइड हो रहा है वन वन में हो रहा है, यानी बीच में हुआ एकदम पॉइंट, है ना, वन वन में डिवाइड हो रहा है, विभाजित कर रहा है एक एक अनुपात से, मतलब बीच में होगा, आधा आधा भाग में बंट रहा है, ठीक है। तो एक काम करना था अनुपात निकालना, वो तो हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, क्या बोला है, निर्देशांक निकाल, तो निर्देशांक किसका निकालेंगे, वही एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष का निर्देशांक निकालेंगे, तो देखिए एक्स और जीरो निकला हुआ है, यानी वाई का वैल्यू निकला हुआ है जीरो, y तो जीरो है, उसको निकालने की जरूरत नहीं, x का वैल्यू नहीं, तो x निकालेंगे तो सिर्फ x का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स वन एम टू प्लस एक्स टू एम वन बाई एम वन प्लस एम टू। देखिए x1, देखिए यहाँ पे है x1, ये x1 होता है पहला वाला, तो 1 है, फिर m2, m2 अभी आया, देखिए m1 m2 आया अभी, है ना, 1 1 दोनों 1 1, m1 भी 1 m2 भी 1, तो 1 हो गया m2 प्लस एक्स टू, एक्स टू देखिए माइनस में फोर है तो माइनस फोर, फिर एम वन, एम वन भी तो वन है तो वन, फिर एम वन वन एम टू वन, वन प्लस वन, अब गुना करके एक एक का एक प्लस माइनस माइनस, चार एक का चार, नीचे हो गया एक और एक जो दो, एक में चार घटावेंगे तो माइनस तीन बटा दो, ठीक। तो एक्स का वैल्यू आ गया माइनस तीन बटा दो, ठीक। हमको निर्देशांक कहा था, तो निर्देशांक एक्स अक्ष का क्या हुआ था यहाँ, एक्स और जीरो, एक्स जीरो हुआ था ना, तो एक्स का वैल्यू आया कितना, माइनस थ्री बाई टू और जीरो, तो ये हो गया इसका आंसर। चाहे तो आप इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉइंट में लिखेंगे तो
टू वन जा टू पॉइंट टू फाइव जा टेन माइनस वन पॉइंट फाइव और जीरो। ठीक, तो ये निर्देशांक निकालना था, अनुपात निकालना था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अनुपात और निर्देशांक निकल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु वन टू फोर वाई एक्स सिक्स और थ्री फाइव इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज की शीर्ष हो तो एक्स और वाई याद कीजिए। देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा अलग टाइप का दिख रहा है लेकिन है वही, है ना। चार को कोना दिया हुआ है, शीर्ष मतलब कोना है चतुर्भुज का, है ना, समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज का चार शीर्ष दिया, बोला है इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज अगर बन रहा है तो यहाँ जो x और y दिख रहा है उस x y का वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक, इसी क्रम में लेने पर, यानी अगर हम इसको ए बी सी डी ऐसा लिखते हैं तो इस क्रम में एक लाइन से इसको बैठाते चलेंगे, जैसे पहला वाला को यहाँ रखेंगे, दूसरा को फोर वाई है यहाँ, तीसरा है एक्स सिक्स, चौथा है थ्री फाइव। ठीक है, इसी क्रम में यानी एक ही एक लाइन से लिख देना है वैल्यू सभी का शीर्ष। अब बोला एक्स और वाई का मान निकाल। ठीक, यहाँ जो x दिख रहा है और यहाँ जो y दिख रहा है उसका हमको वैल्यू फाइंड करना है, x और y में कितना होगा, तो कैसे पता चलेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। तो यहाँ तो अगर सिर्फ ये चतुर्भुज को रहने दे और इसको देखते रहे तो x और y का वैल्यू नहीं फाइंड हो सकता है। x और y वैल्यू कब फाइंड हो सकता है, जैसे अभी इससे पहले जितना क्वेश्चन पढ़ रहे थे इस तरह पढ़ रहे थे, पहला और लास्ट का बिंदु दिया हुआ था, है ना, यहाँ का बिंदु दिया हुआ था, यहाँ का भी बिंदु दिया हुआ था और यहाँ का हम निर्देशांक आराम से निकाल लेते थे, है? या हाँ अनुपात एक दिया हो रहता था। ठीक है, अनुपात दिया हो रहता था और यहाँ यहाँ का, तो एक्स वाई दोनों निकाल लेते थे। तो इस तरह का लाइन में हम एक्स वाई दोनों निकाल सकते हैं, तो यहाँ तो सिर्फ एक्स निकालना है तो आराम से एक्स भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। कैसे, तो देखिए कैसे निकलेगा, इस तरह का बीच का बिंदु हमको निकालना होगा, दो शुरू और आखिर और बीच का बिंदु अगर पता चलेगा, बीच में बिंदु कहीं पे बनाना होगा तब जा करके ये हमको फाइंड कर सकते हैं एक्स वाई को, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, ये दोनों का बीच का बिंदु निकाल देते हैं और ये दोनों का बीच का बिंदु, यानी ये जो है इसका विकर्ण खींच देंगे। ठीक है, इधर से भी इसका विकर्ण खींच देंगे, है ना, ये विकर्ण बिंदु बन गया, इसको P मान के चलेंगे। आया बात समझ में। अब देखिए समांतर चतुर्भुज, यार समांतर चतुर्भुज में एक गुण होता है, का गुण होता है कि उसका विकर्ण जहाँ पे कटता है ना वहाँ से इधर और उधर दोनों इक्वल होता है, इधर और इधर इक्वल होगा, बराबर बराबर अनुपात में बढ़ता है और बराबर बराबर अनुपात में बढ़ता है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए इसी लाइन को अगर हम सीधा करें, यहाँ का बिंदु दिया हुआ है मान चलिए फोर वाई, यहाँ का दिया हुआ है थ्री फाइव और ये बीच में बिंदु है, बराबर लाइन में अगर कटता है, बीच में अगर कटता है तो यानी अनुपात कितना होता है उसका, एक एक, है ना, अनुपात मानता है अगर इक्वल इक्वल कट रहा है तो एक अनुपात एक, है ना। अब एक अनुपात एक पता चल गया अनुपात हमको, तो ये वैल्यू भी फाइंड हो सकता है क्योंकि इस P का दो तरह से वैल्यू निकल रहा है, एक इस लाइन से निकल रहा है और एक इस लाइन से, तो दोनों लाइन से इसका वैल्यू निकाल करके और दोनों को इक्वल कर देंगे, क्योंकि इधर से वैल्यू निकालेंगे इधर से एसी से और इधर से, तो दोनों तो एक ही पॉइंट का ना निकल रहा है तो दोनों का तो वैल्यू एक समान आएगा दोनों तरफ से। ठीक है, जैसे ये बिंदु और एक ऐसा काट देंगे और एक बिंदु यहाँ दिया है यहाँ और ये P निकालना है, तो ये दोनों के बीच का बिंदु ये P निकालिए इधर से या इधर से निकालिए, आना तो चाहिए सेमे अनु, इसका निर्देशांक है ना, निर्देशांक क्या इक्वल ही आएगा क्योंकि इस P बिंदु एक ही बिंदु का निकाल रहे तब एक बिंदु का निर्देशांक एक ही ना होगा, अलग अलग निर्देशांक तो किसी एक बिंदु का नहीं हो सकता है। इसी तरह इसमें पी है ना, तो पी को एक बार ई वाला लाइन से निकालेंगे, एक बार ये वाला लाइन से निकालेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो जो भी अनोन चीज यहाँ एक्स या वाई दिख रहा है वो सब फाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चन बनाने की कैसे करेंगे। देखिए देखिए, अच्छा एक फॉर्मूला भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात क्या है, एक एक है, अनुपात क्या है, एक एक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वन एक्स बराबर एक्स वन एम टू प्लस एक्स टू एम वन बाय एम वन प्लस एम टू, ये फॉर्मूला होता है। अगर देखिए x1 अभी छोड़ दीजिए, x1 को रहने दीजिए, m1 और m2 दोनों एक है, तो x1 बाद m2, m2 में एक रखेंगे तो x1 को एक से गुना करेंगे तो x1 ही ना रहेगा। फिर यहाँ पे x2 है तो x2 को एक से गुना करें तो x2 ही रहेगा, और डिवाइड नीचे 1 1 यहाँ, तो m1 1 m2 भी 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला का यूज किया हुआ है बुक में कहीं कहीं पर, तो सोचता है ये दूसरा कोई फार्मूला है, निर्देशांक का दो गो फार्मूला सोचता है, एगो अनुपात दिया हो रहेगा तो अनुपात वाला है और नहीं तो ऐसा वाला है। तो ये निर्देशांक का ये फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला में यही है, लेकिन इसमें जब अनुपात एक एक है ना, तो ये एक एक वैल्यू रखने से अच्छा है इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, चूँकि एक रखेंगे किसी को गुना करेंगे एक से तो उतना ही रहेगा, यहाँ भी एक रख के किसी को गुना करें तो उतना ही रहेगा, यानी एक्स टू जितना है उतना ही रहेगा, एक्स वन जितना है उतना ही रहेगा, और नीचे वन और वन को जोड़ देंगे तो टू हो जाएगा। तो इसीलिए एक निर्देशांक का फॉर्मूला ऐसा भी है, एक्स बराबर एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। कब ऐसा होगा, जब एम वन और एम टू अनुपात इक्वल इक्वल हो, यानी वन 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 दोनों हो तो, है ना। इसी तरह y का फॉर्मूला हो जाएगा, y का भी क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई टू, है ना। तो देखिए अलग से दिमाग में लगाना है कि ये अलग फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही वाला है, बस इसमें वैल्यू m1 m2 का एक एक रख दिए इसलिए नीचे दो आ गया, और ऊपर एक एक से गुना करना है इसलिए सेम ही रहता है। आई वॉज समझ में, तो यही शॉर्टकट फार्मूला से यहाँ पे काम करेंगे, चूंकि यहाँ पे जान रहे कि एक एक है, यहाँ भी एक एक, तो कहे बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो उतना नहीं है, ठीक है। एम वन एम टू लिखने की जरूरत नहीं है, चूंकि इक्वल भाग में कटता है ना, ये बीच बिंदु से इधर इधर बराबर होता है, उधर और इधर बराबर होता है, मतलब एक एक अनुपात होगा, एक एक है ना। तो चल शुरू करते हैं, पी निकालना है, ठीक, पी निकालना है, पता है ना पी। तो पी में एक्स वाई मान लेते हैं ना, पी को एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, देखिए एक्स वाई पी एक्स वाई, एक बार एसी तरफ से निकालेंगे, एसी लाइन में है ना, यहां पे लिख सकते हैं रेखाखंड या विकर्ण बोल सकते हैं इसमें, है ना, विकर्ण है ये, तो विकर्ण एसी से काम करते हैं, ठीक है। पहले एसी से ये वाला, तो अनुपात इसके अनुसार इसका, अगर इसका निर्देशांक निकालना चाहे तो क्या होगा, पी एक्स वाई बराबर, पी एक्स वाई बराबर क्या होगा, वही फॉर्मूला शॉर्टकट में लगाएंगे, एक्स वन बाय एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और वाई वाला वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ठीक। तो देखिए पी एक्स वाई ये तो फाइंड करना है, एक्स वन एक्स टू कितना है, देखिए ध्यान से देखिए, ए सी वाला लाइन में जाएंगे तो ये हो गया, मान चलिए एक्स वन वाई वन, तो ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, ठीक। तो एक्स वन वाई वन वो एक्स वन प्लस एक्स टू होता है, तो एक्स वन कितना है, वन प्लस एक्स टू, एक्स टू देखिए वहाँ एक्स है, तो वन प्लस एक्स बाय टू, वाई वन प्लस वाई टू, तो वाई वन कितना है टू, वहाँ छः, वाई टू छः, तो टू प्लस सिक्स बाय टू, ठीक है। इसको एक लाइन और सोल्व कर लेते हैं, वन प्लस एक्स बाय टू हो गया, इसको तो नहीं जोड़ सकते, छोड़ देना है, ये जोड़ सकते हैं, छः बार दो आठ, आठ बटा दो, आठ बटा दो, ठीक। और एक लाइन जा सकते हैं, वन प्लस एक्स बाय टू, और इसको काट सकते हैं, दो चौक आठ, तो ये चार, तो ये एक निर्देशांक आ गया, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं आया, क्योंकि एक्स आ गया, एक्स मतलब समझ में ना, कितना एक, एक्स मतलब क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, तो इसलिए अभी इसको इतना ही छोड़ देंगे। अब ये वाला लाइन से जाएंगे, ये बी डी से, ठीक है, बी डी विकर्ण में, तो वहाँ से भी इस तरह से कुछ आएगा, दोनों भी इक्वल कर देंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये तो फॉर्मूला सब है, इसको हटाते हैं, हाँ, और कहाँ जाएंगे, विकर्ण, विकर्ण बी डी पर, है ना, बी डी से, बी डी से अगर लिखे फॉर्मूला इसी बिंदु का, पी एक्स वाई का, पी एक्स वाई का, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, तो फॉर्मूला नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो इसको मान के चलिए एक्स वन वाई वन, तो ये हो जाएगा एक्स टू वाई टू, तो एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, तो एक्स वन कितना है तीन, एक्स टू है चार, तो तीन प्लस चार बाई टू, फिर वाई वन, वाई वन है पाँच प्लस वाई टू है, ये वाई टू होता है, y है बाई टू हो गया, इसको जोड़ सकते हैं, चार तीन सात होता है बाई टू, इधर नहीं जोड़ सकते हैं, छोड़ देना है, देखिए हो गया। अब आगे नहीं बढ़ सकते उससे,
तो देखिए पी एक्स वाई, पी एक्स वाई, पी एक्स वाई का एक ठो ये भी निर्देशांक आया और एक ठो ये भी, तो दोनों तो इक्वल है ना होगा, हैं? तो दोनों को इक्वल कर देंगे, x का वैल्यू यहाँ जितना है वहाँ जितना है, दोनों को इक्वल कर देंगे, ये y का वैल्यू से इक्वल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x और y का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा, है ना। कैसे, तो देखिए x क्या है, 1 प्लस एक्स बाय टू, ये बराबर किसके होगा, ये वाला है ना, ये वाला, ये बराबर होगा किसके, 7 बाय टू के, तो लिखेंगे 7 बाय टू, ठीक। तो ये 2 2 तो कट गया, तो क्या बच गया, x बराबर 7 प्लस में 1 उधर जाके माइनस, तो x बराबर आ गया 6, x का वैल्यू आ गया। अब y वाला बराबर कीजिए, ये 4 है और ये 5 प्लस y बाय टू, तो इसी को पहले लिखते हैं, 5 प्लस y बाय टू बराबर लिख देते हैं, ये y का वैल्यू 4 है, 4, फिर यहाँ भाग में उधर जाके गुना होगा, 5 प्लस y बराबर 4 दूनी 8, ठीक। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस में तो माइनस में 5 हो जाएगा 3, तो y का वैल्यू आ गया 3, यानी फाइनली एक्स वाई का निर्देशांक आ गया 6 और 3, ठीक, 6 और 3। तो एक्स वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना, तो देखिए निकल गया, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही टाइप का है, थोड़ा सा घुमाने को कोशिश किया था, तो घूमिएगा ना, है ना। और एक क्वेश्चन, हाँ और एक क्वेश्चन पढ़ना है, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से, इसको कर लीजिए। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए का निर्देशांक याद कीजिए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा बी का निर्देशांक 1 - 4 है, ठीक है। बिंदु ए का निर्देशांक याद करना है, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक याद करना है, जिसमें बोला है ए बी जो है ना वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास, ए बी वृत्त का व्यास है, व्यास है, तो वृत्त का व्यास है, तो बना देते हैं वो वृत्त, ये बन गया वृत्त, हैं, बनाना वृत्त, हाँ वृत्त का व्यास है, तो देखिए वृत्त का जो सेंटर है उससे जो कटता हुआ लाइन जाता है उसको व्यास कहेंगे, पूरा पूरे का वहाँ से है व्यास है। फिर ए और बी दिया हुआ है और ओ बोला है यानी केंद्र, जिसका केंद्र 2 - 3 है, 2 - 3 केंद्र है, और बोला है बी निर्देशांक 1 - 4 है, बी जो है 1 - 4 है, ठीक। तो ए हमको फाइंड करना है, है ना, पहले बोल दिया ए का निर्देशांक याद कीजिए, ए बी वृत्त का व्यास है, तो ए बी वृत्त का व्यास लगा दिया, केंद्र बोला 2 - 4 है, तो 2 - 4 बी है 1 - 4, ठीक है। तो इस तरह से एक वृत्त बना करके वैल्यू को रख देना है जैसा बोला है उस तरह से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हाँ निकालना क्या है इसमें, ए का निर्देशांक, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे भी निर्देशांक हमको निकालना इधर वाला किनारे वाला का है ना, तो अनुपात इसमें भी पता चल जाए तो कुछ काम बन जाएगा, है ना। तो अनुपात देखिए इसमें भी क्या हो जाएगा, ये वृत्त होता है वृत्त का केंद्र, और वृत्त का केंद्र से इधर और उधर यानी व्यास का अगर बीच में जाए केंद्र में, तो केंद्र के दोनों तरफ क्या होता है, बराबर ना होता है, इक्वल इक्वल होता है, हैं। जैसे व्यास अगर ये 14 सेंटीमीटर रहता है तो उसका त्रिज्या निकालना है, आधा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, तो 7-7 होता है ना, दोनों तरफ इक्वल इक्वल, तो इक्वल इक्वल है मतलब इसका अनुपात फिर से क्या हो जाएगा, 1:1, है ना, इक्वल इक्वल रहता है उसी के तो अनुपात 1:1 होता है ना, जैसे दोनों अगर 7 और 7 होगा तो काटेंगे तो 7 1 अनुपात निकालेंगे, 1:1 हो गया, है ना। तो जिसका भाग जहाँ से विभाजित हो रहा है, ये बंट रहा है यहाँ से विभाजित हो रहा है, गोल से अब हमको मतलब है नहीं, लाइन से मतलब है, तो यहाँ से विभाजित हो रहा है, तो ये दोनों अनुपात जानना पड़ेगा, तो ये आधा मतलब दोनों इक्वल है इसीलिए 1:1 होगा, ठीक है। तो 1:1 अनुपात में बोले हैं काल फॉर्मूला लगाने, m1 m2 को छोड़ देना है, और x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 शॉर्टकट फार्मूला है, तो वही वाला यूज करेंगे यहाँ पे भी। देखिए हाँ, तो कहाँ का फॉर्मूला होता है, ये वाला का है ना, ये वाला का, ऐसा नहीं कि यहाँ x1 x y लिखा है तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, ये बीच वाला का फॉर्मूला होता है जहाँ से विभाजित हो रहा है वहाँ का फॉर्मूला बनता है ना, ये वाला कहलाता है x1 y1 और ये वाला x2 y2, ऐसा नहीं कि नंबर देख के इसको लिख दीजिएगा x1 y1, है ना, ये होता है बीच वाला x और y, अरे बस वही ना, ये एक्स वाई होगा, ये वाला कहेगा x1 y1, तो बोला x2 y2, बीच वाला एक्स वाई होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये बीच वाला का, तो फॉर्मूला फिर लगा देंगे, ओ ओ
का फॉर्मूला ओ एक्स वाई अभी लिख देते हैं, एक्स वाई का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, फिर वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक, अब वैल्यू रखिए यहाँ, ओ एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है तो एक्स वाई कितना, देखिए एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ तो रख देंगे टू और माइनस थ्री बराबर एक्स वन, एक्स वन कितना है एक्स है तो एक्स रहने देंगे, प्लस एक्स टू, एक्स टू वहाँ देखिए वन बाय टू, वाई वन कितना है वाई है तो छोड़ दीजिए वाई, प्लस वाई टू फोर बाय टू। देखिए इसको तो ना जोड़ सकते ना घटा सकते हैं, नहीं जुटेगा एक्स वाई है तो। अब क्या करें, ये क्या है एक्स वाई है, यहाँ वाला जो वैल्यू आता है वो क्या आता है एक्स और यहाँ वाला वाई, तो यहाँ से तो एक्स वाई का वैल्यू आया हुआ है, यहाँ भी एक्स वाई है तो बराबर दोनों को नहीं कर देंगे, दो बराबर कर देंगे x प्लस वन बाई टू और y कितना है माइनस तीन है तो माइनस तीन बराबर हो जाएगा y प्लस फोर बाई टू, दोनों को सोल्व कर देंगे x y निकल जाएगा। ठीक है, ये भाग में है इधर आके हो गया गुना तो दो दूनी चार, ये प्लस में इधर आके माइनस सौटे में कर दे रहे हैं, चार में एक घटाइए तीन x बराबर तीन या तीन बराबर x, x बराबर वैल्यू आ गया x का, तीन गुना दो होगा दो गुना होगा ना, भाग में इधर आके गुना माइनस छः हो गया, ये प्लस में इधर आया माइनस बराबर बन गया वाई, माइनस माइनस होता प्लस है होता है ना, जोड़ेंगे लेकिन लगाएंगे माइनस छः छः बारह एक तेरह तो वाई तेरह आ गया, यानी एक्स वाई ए बी का हमको फाइंड करना था ए का, तो वो कितना आ गया एक्स का वैल्यू तीन वाई का माइनस तेरह, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बिंदु ए का निर्देशांक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना ही क्वेश्चन पढ़ना था इस बार है ना, इतने क्वेश्चन पढ़ना है 2021 के एग्जाम में, तो इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के, जो भी छूट रहा है उसको बाद में फिर एग्जाम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम उसमें जितना सिलेबस को कम करके जो बचा हुआ है वही सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब तो समय तो ज़्यादा नहीं है, है ना, ये दिसंबर ख़त्म होने वाला है, कुछ ही महीना है, एक महीना डेढ़ महीना कब एग्ज़ाम हो जाए, फरवरी ऐसे जनवरी फरवरी में नहीं होगा, अप्रैल जाए मार्च अप्रैल चल ही जाएगा है ना, तो है दो ढाई महीना तीन महीना समझिए, तो कोशिश करेंगे तब तक ख़त्म करने का। साइंस भी शुरू करना है, साइंस भी थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ दिए हैं, एक और चैप्टर ने पूरा कम्प्लीट किया है, तो चलिए मैथ अब लगभग आधा हो ही तो गया है ना, सेवन कम्प्लीट हो जाएगा उसका समझिए आधा हो ही जाएगा, तो सेवन और एट चाहे सेवन को ही ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद साइंस भी अब शुरू करेंगे है ना, तो साइंस का टेंशन नहीं लेना वो भी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए समझा देंगे साइंस भी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।